तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल के बेसिक पार्ट के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोटेक्शन समझाया था, आज बात करेंगे डेटा फील और उससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं, सबसे पहले हम चलते हैं देख अपने होम मेनू बार में। होम मेनू बार के अंदर हमने बात की थी प्रोटेक्शन, जो कि यहां पे इस ऑप्शन के अंदर ये आपका प्रोटेक्ट सीरीज को हमने कर लिया था। अब ये छोटे मोटे जो ऑप्शन उसके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि इंसर्ट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सी, यहां से यूज कर सकते हैं। जनरली हम इंसर्ट करने के लिए सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देते हैं या कंट्रोल प्लस इस्तेमाल करते हैं, और डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस या राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं जनरली। लेकिन ये चीज आप यहाँ के ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके अलावा ये आपका रो की हाइट, जैसे कि रो की हाइट हम लोग यहां सेलेक्ट करके बढ़ाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है रो एंड कॉलम की हाइट को एग्जैक्ट हाइट चाहिए होती है, जैसे कि एग्जैक्ट लंबाई और चौड़ाई हमें चाहिए होता है कभी कभी हम जो डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं तो वहां पे हम फॉर्मेट में इसका यूज करते हैं, रो हाइट एंड कॉलम ब्रेड, और डबल क्लिक करने पे ऑटो फिट हो जाता है। ये डिफॉल्ट विथ है, ये जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो रहता है। हाइट एंड हाइट, आप किसी रो एंड कॉलम को हाइट कर सकते हो, सीट को हाइट कर सकते हो एंड वापस इसको अनहाइट कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, आप एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इसमें एक और आता है ऑटो सम। तो ऑटो सम, जैसे कि कुछ नंबर हमें यहां दिया हुआ है, कुछ नंबर हमें यहां पे लिखे, यहां पेस्ट कर दिया। हो गया। अब मैं यहां जनरली क्या करते हैं, इक्वल करके हम सम यूज करते हैं, इक्वल सम टाइप करते हैं तो सम आता है। लेकिन इसकी जगह पे मैं यहां ऑटो सम पे क्लिक कर दूं, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस, अल्ट इक्वल। तो ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सम लग जाएगा और यहां पे उसका पूरा का पूरा पाथ भी जनरेट हो जाएगा, राइट सर, पाथ भी जनरेट हो जाएगा। तो ऑटो सम के अलावा यहां पे एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, इसका यूज कर सकते हो या मोर फंक्शन में जा सकते हो। इसे रेंज डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं फिल। तो आपने देखा होगा कि मैं रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं, यहां पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं और एक एरिया को लेता हूं। तो जनरली लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। क्या होता है कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर, यहां देखिए फिल डाउन, नीचे की तरफ डाउन की तरफ फिल कर लेगा, और यहां हमने सिलेक्ट कर लिया फिल राइट, तो जो नंबर है उसको राइट की तरफ फिल कर लेगा। तो इसी चीज को आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, कंट्रोल डी डाउन की तरफ और कंट्रोल आर राइट की तरफ। तीन चीज यहां आपके सामने, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। आप ऊपर की तरफ और लेफ्ट लेफ्ट की तरफ करना हो इसके लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं। अब बात करते हैं अक्रॉस वर्कशीट।
अरे क्रॉस वर्कशीट आप देख रहे होंगे कि ये हाईलाइटेड नहीं है, ये हाईलाइटेड कब होगा जब आप एक से ज्यादा सीट को सिलेक्ट करेंगे। जी हाँ, एक से ज्यादा सीट को सिलेक्ट करेंगे। अब क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने सीट वन पे डेट लिखा और यहां भी डेट हमने दे दिया, अब इसको कॉपी करके मुझे सीट टू पे, सीट थ्री पे, सीट फोर पे सब पे पेस्ट करना है। तो उस केस में क्या होगा कि आप एक एक करके जो पेस्ट कीजिएगा उससे अच्छा है कि शिफ्ट को प्रेस कीजिए, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट को प्रेस कीजिए और सबसे लास्ट में क्लिक कर दीजिए। जब सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे तो तीनों सीट सिलेक्टेड हो जाएगा। अब तीनों चीज सिलेक्ट हो गया, अब मैं कंट्रोल भी या नॉर्मल टाइपिंग भी करता हूं तो हर एक सीट पे आपका सेम लोकेशन होगा। अच्छा मान लीजिए सारा मुझे डिलीट करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ सॉरी पहले को सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले को सिलेक्ट किया, तो यहां पे देखिए किस तरह सिलेक्ट हो गया। अब मैं अगर मान लीजिए इसको डिलीट करता हूं तो हर एक सीट पे आप देखेंगे डिलीट हो गया। तो मुझे अगर मान लीजिए टाइपिंग करना है तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं सीट को सिलेक्ट करूंगा, सबसे लास्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और मैं यहीं पे डेट लिख दूंगा, डेट एंड यहां पे डेट डाल दिया, तो हर एक सीट पे इस तरह का टाइप हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका पहले से टाइप है, टाइम हम ले लेते हैं और टाइम पहले से टाइप हम कर देते हैं और इस टाइम पे हम अपनी एक फॉर्मेटिंग भी लगा देते हैं। ऐसा तो एक्चुअल मेरा हैंग हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ इंस्टॉलेशन में लगाया हुआ है, मैं ऑरिकल को इंस्टॉल कर रहा हूँ इससे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब मुझे इसको पूरे में डालना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि अब देखिए आपके यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट ओपन हो गया। जब आप कॉपी एंड पेस्ट करते थे तो आपके पास च्वाइस नहीं होता था, लेकिन अगर आपने अक्रॉस वर्कशीट का इस्तेमाल किया तो आपके पास च्वाइस होगा कि आपको इसमें इसका इस डेटा का क्या चाहिए। अगर आपने ऑल कर दिया तो जैसा है वैसा सबमिट टाइप हो जाएगा, अगर मैंने कंटेन किया तो विदाउट फॉर्मेटिंग टाइप होगा, अगर मैंने यहां पे फॉर्मेट कर दिया तो क्या होगा सिर्फ की फॉर्मेटिंग टाइप होगी। तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिए आपको क्या चाहिए। अगर आपने इसको ऑल को सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो देखिए हर एक सीट पे सेम डेटा आ जाएगा। तो आप कॉपी पेस्ट करें या टाइप करें या अक्रॉस वर्कशीट करें सेम होता है, वो भी मल्टीपल सीट पे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्रॉस वर्कशीट तभी वर्क होगा जब आप मल्टीपल सीट को सिलेक्ट करेंगे। तो मल्टीपल सीट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तरीके स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट पे क्लिक करें तो उसके बीच के जितने भी सीट होंगे तो सारे सीट सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको च्वाइस चाहिए, मतलब कि आपको जो है पूरा नहीं करना है, मुझे सीट वन एंड सीट फोर को करना है या सीट थ्री को करना है, तो उस केस में कंट्रोल प्रेस करके जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल कब प्रेस कीजिएगा, जब आपको च्वाइस मतलब कि कुछ कुछ पास लेना है, और शिफ्ट कब करेंगे जब टू से अंत तक पूरा चाहिए। तो सुरेंद्र जी एंड सुनील जी कोई डाउट तो नहीं आपको, हेलो नो सर क्लियर है। अब बात करते हैं सीरीज की, सीक्वेंस की। ऐसे मान लीजिए वन लिख दिया और आपने टू लिख दिया तो दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं तो सीक्वेंस आ जाएगा। अगर टू के जगह पे मैंने यहाँ आपने अगर थ्री ले लिया तो क्या होगा, ये आपका दो दो का गैप दिखाएगा, वन थ्री फाइव इस तरह से गैप दिखाएगा।
तो दोनों का गैप दिखाएगा। लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से करना चाहूँ, क्योंकि ड्रैग करने पे तो हमें पता नहीं चलता ना कि कितना करना है, तो माउस से अगर कमांड हो तो एग्जैक्ट आप 100 करना है तो 100 तक ड्रैग करके ले जाए, वरना दिक्कत होती है जिसकी माउस से कमांड नहीं होती है, या आपके पास अगर लैपटॉप के की पैड माउस पैड से कर रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो उस केस में आप सीरीज ऑप्शन का इस्तेमाल करें। सीरीज में ये आपका लीनियर है, ये आपका स्टेप, मतलब कि एक के बाद कितना गैप है, एक के बाद दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, इस तरह का स्टेप दे सकते हो, उसमें दो नंबर के बीच में कितना आपको डिफरेंस चाहिए। ये आपका आता है स्टॉप वैल्यू, मतलब मुझे 15 तक करना है तो मैंने 15 डाल के ओके कर दिया, ये 15 तक का ही गैप देगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे हर और नंबर चाहिए, तो सीरीज में आया और यहाँ पे 2 का गैप दे दिया। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं देता हूँ तो जो सिलेक्टेड है वो पूरे को फिल कर देगा। ये लीनियर था, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम ग्रोथ लेते हैं तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 कर दिया तो क्या होगा कि हर नंबर को अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 तक 4 आया, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह से बढ़ता चलाएगा। ठीक है, तो ये आपका सीरीज के ऑप्शन था। लेकिन इसमें एक डेट का है, क्योंकि डेट का यूज हम लोग करते हैं जनरली। अगर यहाँ पे डेट लिखते हो, जैसे मैंने 1 सितंबर लिखा और मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये जनरली आ गया। लेकिन मुझे इसमें सैटरडे एंड संडे नहीं चाहिए, मुझे डेट का सिक्वेंस चाहिए बट इग्नोर द सैटरडे एंड संडे। तो सीरीज के अंदर में आपके पास यहाँ पे वीक डे का ऑप्शन, वीक डे का ऑप्शन है, जिससे क्या होगा ये आपका नीचे की तरफ ड्रैग कर देगा। इसमें देखिए 4, 6, 5 और 6 नहीं है, इसमें देखिए आपको 7 18 है, 17, 18 है, 16 है, 15 है, 14 है, 12 है, ये नहीं है। अब जैसे कि देखिए कि कल सैटरडे है तो कल 20 और 21 तो नहीं है, 19 और 20 नहीं है, मतलब सर इसमें सैटरडे संडे नहीं आएगा ना। जी हाँ, सैटरडे संडे नहीं आएगा और फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से लैपटॉप 5 डे वर्किंग कर रहेगा। जी हाँ जी, कभी भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो भी यूएस बेस्ड कंपनी है मंडे टू फ्राइडे ही चलती है। तो सीरीज में इसमें एक और भी आता है मंथली, कि जो मंथ चेंज होगा से डेट फिक्स होगा, जैसे कि ईएमआई रेट वगैरह निकालने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे ईयर कर देंगे तो ईयर भी होगा। ऑटो फिल में जो ऑटोमेटिक फिल डबल क्लिक करने पे होता है वो ऑटोमेटिक फिल होगा यहाँ। तो सीरीज के बाद हम बात करते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे कि मान लीजिए हम कुछ नेम देते हैं, हालांकि जस्टिफाई का यूज 2019 के बाद नहीं है, 2016 तक इसका यूज होता था। क्या यूज होता था, जैसे कि हमारे पास डेटा है, नेम है, लेकिन सारे नेम को मुझे एक सेल में लिखना है कॉमा या किसी और सेपरेटर से। इसके लिए कॉन्केट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एक एक सेल करना होता था, एक एक रेंज को सिलेक्ट करना होता था, क्योंकि कॉन्केट फॉर्मूला के अंदर में एक रेंज को सिलेक्ट करने, कॉन्केटनेट फॉर्मूला के अंदर एक पूरी रेंज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, एक पूरी रेंज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर दिए और इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर इसको हमने जस्टिफाई कर दिया।
अब ध्यान रखिएगा, जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि सबको एक कॉलम में कर देना, जस्टिफाई का मतलब है कि कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग जितना टेक्स्ट नंबर फिल हो सकता है उतना ही फिल करेगा, अगर ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट रो में डाल देगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट रो में देखिए विकास और अमर को डाल दिया, यहाँ हमने जस्टिफाई किया, कि वापस में सही करना है तो कॉलम के साइज को हमने छोटा कर दिया और इसको सिलेक्ट करके हमने इसको जस्टिफाई। लेकिन आपको सर कॉन्केट नाम का फॉर्मूला आ गया है, टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला आ गया है, उससे कर लेते हैं, बट 2016 तक हम इसके साथ ही यूज करते थे। जस्टिफाई के बाद आता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल सारे वर्जन में है। फ्लैश फिल काम क्या है, एक्सट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लीजिए कुछ नाम लिखता हूं मैं, पूजा सिंह, मनीष कुमार वर्मा, मोहन सिंह, देव कुमार सिंह, अब मुझे इसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो कैसे अलग होगा फर्स्ट एंड लास्ट, हम यहां पे आएंगे और यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला लेफ्ट का, लेकिन दैट फॉर्मूले की मदद से नहीं करना चाहता। तो इस केस में हमारे पास क्या है, फ्लैश फिल। मैं एक सिर्फ नाम पूजा लिख दिया, एंटर मारा, इस पे कर्सर रखा और यहां पे हम फ्लैश फिल करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ई। हमने इस पे क्लिक किया तो देखिए नेम में पूजा, मनीष, मोहन, देव सब आ गया। आगे सर ऐसे मैं यहां पे सिंक करूंगा और फिर इसको सेलेक्ट किया और हमने फ्लैश फिल किया इसकी, तो यहां पे सवाल है जो भी था लास्ट को उठा लिया। तो करता क्या है ना, जैसे पूजा आपने लिखा तो चेक करता है कि पूजा का पोजीशन क्या है और उसी पोजीशन के बिहाफ पे बाकी सब को उठा लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे डेट लिखता हूं, हमने यहाँ पे कुछ डेट लिख दिया, मुझे इस मैसेज का मंथ अलग करना है, तो मैंने मंथ को टाइप किया, एंटर मारा, इस पे कर्सर रखा और फ्लैश फिल कर दिया। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ आईडी है, मुझे इसमें से फर्स्ट के दो लेटर अलग करने हैं, तो 1 2 डाला, इसको कर्सर रखा और यहां से हमने फ्लैश फिल कर दिया। ऐसे मान लीजिए कुछ नंबर है जो कि डेसिमल्स में है, मुझे इसमें से डेसिमल को अलग करना है, तो 0.96 लिखा और हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां से हमने फ्लैश फिल कर दिया। तो हैंग हो गया, तो देखा अलग कर दिया। क्या सर इस तरह से आप अलग कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल पे और भी एग्जाम्पल्स आप एक बार अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा, और आप होमवर्क भी नोट कर लीजिए। आपको जो है मुझे तकरीबन 15 एग्जाम्पल देने हैं फ्लैश फिल के, जी हाँ 15 एग्जाम्पल। अभी तक मैंने आपको 5 या 6 एग्जाम्पल दिया, आप मुझे ऐसे 15 एग्जाम्पल फ्लैश फिल का देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैश फिल में जैसे जो मिडिल नेम है उसको सेपरेट कर सकते हैं। मिडिल नेम में दिक्कत होता है कि अगर सब में मिडिल नेम है तो ठीक है, किसी में नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा।
ठीक है। वहां पे देखो क्या बात है, सुनील जी बाबा आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? हेलो सुनील जी, सुनील जी ये प्रॉब्लम हो गई क्या सर? बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। तो यहां पे अगला ऑप्शन आता है क्लियर का। अगर मैंने यहां पे क्लियर ऑल कर दिया तो जो भी डेटा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने यहां पे क्लियर ऑल की जगह पे क्लियर फॉर्मेट किया, दस फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अगर मैंने क्लियर फॉर्मेट की जगह पे क्लियर कंटेन किया तो सिर्फ कंटेन क्लियर होगा, और अगर मैंने क्लियर किया कमेंट्स तो कमेंट्स होगा, और बाकी जो हाइपरलिंक होगा। तो यहां से क्लियर करने का यूज किया जाता है। सुनील जी भी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर आ रही है भी। क्या वो अभी प्रॉब्लम हो गई क्या सर? हाँ नेट पता नहीं बंद हो गया। तो आज हमने ऑटो साउंड फिल और क्लियर को पढ़ा। इसमें ध्यान रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल के अंदर सीरीज और स्लैश फिल था, और मुझे स्लैश फिल के 15 से 20 एग्जाम्पल चाहिए होगा, राइट?